नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टाइगर 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये ड्यूटेरिया करंट अफेयर से यह सीरीज का 19वां वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं। दोस्तों, इसमें हम टॉप 50 प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सीरीज 18 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा करके वो सारा वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम वार्षिकी 2020 जनवरी 2019 से फरवरी 2020 तक संपूर्ण एक साल का घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएँ प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्र उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है माइकल देवव्रत पात्रा, सेकंड ऑप्शन है अनिल करवाल, और थर्ड ऑप्शन है एसके जैन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देवव्रत पात्रा को बनाया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी? फर्स्ट ऑप्शन है सोनिया ठाकुर, सेकंड ऑप्शन है सुनिधि शर्मा, थर्ड ऑप्शन है तानिया शेरगिल, और फोर्थ ऑप्शन है अमृता पांडे। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा तानिया शेरगिल। तानिया शेरगिल जो कि गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी बनी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई, मुंबई, पणजी, विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, असम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहाँ हुई है? जेनेवा, दावोस, थर्ड ऑप्शन है अजरबैजान, और फोर्थ ऑप्शन है मैड्रिड। दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा दावोस। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक का आयोजन किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। भारत तथा जापान के मध्य 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? टोक्यो, हैदराबाद, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत तथा जापान के मध्य 2+2 वार्ता जो कि संपन्न हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तानसेन सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? मंजू मेहता, सेकंड ऑप्शन है विद्याधर व्यास, थर्ड ऑप्शन है काशीनाथ पंडित, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा विद्याधर व्यास। विद्याधर व्यास को तानसेन सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देवघर ट्रॉफी 2019 की विजेता कौन रही?
फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, बी सेकंड ऑप्शन है इंडिया, सी थर्ड ऑप्शन है सर्विसेज और फोर्थ ऑप्शन है रेलवे। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा इंडिया बी। इंडिया बी जो कि देवघर ट्रॉफी 2019 की 2019 में विजेता रही। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। वे एक गणितज्ञ थे, उनका संबंध बिहार से है, उन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंग्स कहा जाता है और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वे एक गणितज्ञ थे, यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन है उनका संबंध बिहार से है, ये भी सही है। और इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंग कहा जाता है, ये भी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। किस राज्य सरकार ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसेट 3 एवं 13 का 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है PSLV C-46, सेकंड ऑप्शन है PSLV C-47, थर्ड ऑप्शन है PSLV C-48 और PSLV C-49। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा PSLV C-47। हाल ही में PSLV C-47 प्रक्षेपण यान को उपग्रह कार्टोसेट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, बैडमिंटन, भाला फेंक और फोर्थ ऑप्शन है बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा बॉडी बिल्डिंग। चित्रेश नटसन का संबंध बॉडी बिल्डिंग से है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? फर्स्ट ऑप्शन है आरोही, सेकंड ऑप्शन है कामिरीता और थर्ड ऑप्शन है निर्मल पुर्जा और फोर्थ ऑप्शन है मलावत पूर्णा। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा मलावत पूर्णा। मलावत पूर्णा जो कि हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आम बजट 2020-21 के विषय क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन को सरल बनाना, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्र को सशक्त बनाना, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्र को समृद्ध बनाना और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्र को सुपर पावर बनाना। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर है जीवन को सरल बनाना। आम बजट 2020-21 का विषय था जीवन को सरल बनाना। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। बजट 2020-21 का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा असम। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में असम राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है कालका एक्सप्रेस, सेकंड ऑप्शन है मिथिला एक्सप्रेस, थर्ड ऑप्शन है हिम दर्शन एक्सप्रेस और फोर्थ ऑप्शन है पर्वत दर्शन एक्सप्रेस। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा हिम दर्शन एक्सप्रेस। हिम दर्शन एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए परिचालन शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन ने माँ और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया। फर्स्ट ऑप्शन है मातृत्व शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। सेकंड ऑप्शन है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। और थर्ड ऑप्शन है सुरक्षित शिशु कार्यक्रम। और फोर्थ ऑप्शन है मातृत्व वंदना योजना। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने माँ और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। बुकर पुरस्कार 2019 से किसे प्रदान किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है मार्गरेट एटवुड। सेकंड ऑप्शन है बर्नार्डिन एवारिस्टो। थर्ड ऑप्शन है जोखाल हारती। और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर ए एंड बी दोनों। मार्गरेट एटवुड एवं बर्नार्डिन एवारिस्टो। बुकर पुरस्कार 2019 मार्गरेट एटवुड एवं बर्नार्डिन एवारिस्टो को प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया। फर्स्ट ऑप्शन है विजय शंकर। सेकंड ऑप्शन है मिशेल स्टॉक। थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद शमी। और फोर्थ ऑप्शन है जसमित बुमराह। दोस्तों इसका आंसर होगा मोहम्मद शमी। विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक मोहम्मद शमी ने बनाया। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किस भारतीय को वर्ष 2019 के लिए कार्नोट पुरस्कार प्रदान किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है झुंपा लाहिरी। सेकंड ऑप्शन है कृष्णा सोपती। थर्ड ऑप्शन है एनी जैदी। और फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को वर्ष 2019 के लिए कार्नोट पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यूक्रेन के नए राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है वोलोदिमिर जेलेंस्की। सेकंड ऑप्शन है पेट्रो पोरोशेंको। थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद नसीद। और फोर्थ ऑप्शन है अब्दुल्ला यामीन। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर वोलोदिमिर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा। सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़। और थर्ड ऑप्शन है सिक्किम। और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत की गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। दोस्तों इसमें बताना है कि आत्मकथा एक साइड है, एक साइड संबंधित व्यक्ति। बताना है कि किस कौन सी आत्मकथा है, वह किस व्यक्ति पर आधारित है। दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है एस अगेंस्ट अवार्ड, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, सही है। सेकंड है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, यह युवराज सिंह की आत्मकथा है, सही है। और फोर्थ है गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है, यह सही है। और थर्ड जो दिया है नो स्पिन, अनिल कुंबले की आत्मकथा है, जो कि गलत है। दोस्तों इसमें थर्ड नंबर है जो गलत है। फर्स्ट जो है एस अगेंस्ट अवार्ड, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। और तथा शाहिद अफरीदी के आत्मकथा जो है गेम चेंजर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा रहा 3.5%, 3.8%, 3.6%, 3.2%। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा 3.6%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा 3.6% रहा। ये नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 29 मई, सेकंड ऑप्शन है 28 मार्च, थर्ड ऑप्शन है 29 जुलाई, और फोर्थ ऑप्शन है 29 जून। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा 29 जून। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 जून को मनाया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा 3.8% रहा दोस्तों, इसको ध्यान से याद रखिएगा, उस टाइम गलती बोला गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कि मॉस्को में भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने आधिकारिक रूप से कितने पर्यावरण चेंज मेकर्स को UN चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2019 और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया? फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 16 और फोर्थ ऑप्शन है 10। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा 12। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने आधिकारिक रूप से 12 पर्यावरण चेंज मेकर्स को UN चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2019 और यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया। INS प्रेस को देखेंगे। DRDO द्वारा किस स्वदेशी मिसाइल के थलीय संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी। दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, DRDO द्वारा ब्रह्मोस जो कि स्वदेशी मिसाइल के थलीय संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। INS प्रश्न को देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धर्म स्थान तक जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की? फर्स्ट ऑप्शन है सिडनी साइन, सेकंड ऑप्शन है वैष्णो देवी, थर्ड ऑप्शन है बनारस और फोर्थ ऑप्शन है बोधगया। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा वैष्णो देवी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से वैष्णो देवी धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है इक्वाडोर, सेकंड ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन है वेनेजुएला और फोर्थ ऑप्शन है कतर। दोस्तों इसका आंसर बताइए, जिसका आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर जो कि दक्षिण अमेरिका देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है, इक्वाडोर की, समझे? अमेरिकी देश इक्वाडोर है, दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर जो कि ओपे की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। INS प्रश्न को देखें। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा राजस्थान। गांधी जी के अवसर पर राजस्थान राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। INS प्रश्न को देखें। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है 500 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 300 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 100 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 200 मीटर। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा 100 मीटर। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। INS प्रश्न को देखें। किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया? केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है। INS प्रश्न को देखें। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के पेरोड का क्या नाम है जिसे चंद्रमा पर चार्ज पार्टिकल्स की खोज की? फर्स्ट ऑप्शन है पाराम, सेकंड ऑप्शन है क्लास, थर्ड ऑप्शन है रुस्तम और फोर्थ ऑप्शन है बोसोव। तो इसका आंसर होगा क्लास। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के पेलोड का
कैलाश नाम है जिसने चंद्रमा पर चार्ज पार्टिकल की खोज की है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। भारत और मंगोलिया के बीच 14 दिन का संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण किस राज्य के बाकलोह में आयोजित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत और मंगोलिया के बीच 14 दिन का संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बाकलोह में आयोजित किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने पर परस्पर प्रतिबंध लगा दी है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट और फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना हाई कोर्ट। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट है जो कि खंडपीठ ने राज्यों के मंदिर में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट के दो पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए? रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेटर ने एक टेस्ट में दो पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किस महिला और बालक विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई पहल को लॉन्च किया? फर्स्ट ऑप्शन है युवा पहल, सेकंड ऑप्शन है सुरक्षा पहल, थर्ड ऑप्शन है सेवा पहल और फोर्थ ऑप्शन है बचपन पहल। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा युवा पहल। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई युवा पहल को लॉन्च किया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है विश्व बैंक, सेकंड ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सेकंड थर्ड ऑप्शन है ब्रिक्स बैंक और फोर्थ ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक। दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट नंबर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 बिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। ट्रेस बरी बेरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, भारत। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? 30%, 47%, 68%, 65%। तो इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा 68%। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 68% कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर 100 लोग अगर कैंसर से पीड़ित है उसमें लगभग 68 लोग की मृत्यु हो जाती है, बाकी 32% लोग ही यानी 32 लोग ही बच पाते हैं। राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डिडवाना झील, सेकंड ऑप्शन है जैसमंद झील, थर्ड ऑप्शन है नक्की झील और फोर्थ ऑप्शन है सांभर झील। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर सांभर झील। राजस्थान के सांभर झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया? फर्स्ट ऑप्शन है देवेंद्र झाझारिया, सेकंड ऑप्शन है सुंदर सिंह जुर्जर और थर्ड ऑप्शन है सुखविंदर सिंह और फोर्थ ऑप्शन है राजीव मल्लिक। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा सुंदर सिंह जुर्जर। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में सुंदर सिंह जुर्जर जिन्हें जो भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल की है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अखिल भारतीय
अखिल भारतीय बाघ अनुमान के चौथे चक्र के अनुसार आंध्र प्रदेश और किस राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। अखिल भारतीय बाघ अनुमान के चौथे चक्र के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा केरल। केरल सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.2 सेंटीग्रेड बढ़ने के कारण आसार जताए गए हैं? 2100, 2150, 2200। तो इसका आंसर होगा 2100। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2100 वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.2 सेंटीग्रेड बढ़ने का आसार जताया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। आज का ये आखिरी प्रश्न है। दमन एवं दीव तथा दादर और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 10 और फोर्थ ऑप्शन है 7। दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर होगा 8। दमन एवं दीव तथा दादर और नगर हवेली को एकीकरण के पश्चात भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।